उत्तर प्रदेश के बदायूं की सभी तहसीलों पर सपा के कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। देश भर में बेरोजगारी और किसान व्यापारी के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की है सपा ने। वहीं सरकार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। सपा के पूर्व प्रत्याशी अवनीश यादव ने कहा कि देश भर में बेरोजगारी भुखमरी बढ़ रही है, वहीं सरकार गरीबों को अपना निशाना बना रही है, अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है और कहा है कि आने वाले 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे। अपनी बातें कहते हुए उपजिलाधिकारी को सपा ने ज्ञापन सौंपा। विभिन्न मांगे थे, सबसे मुख्य बात जो थी हमारे आज की स्थिति जो है, जो नौजवान साथी जो हमारे हैं वे बेरोजगार हो गए, सब किसान बेहाल, मजदूर परेशान, किसी के साथ न्याय नहीं हो रहा, दिन प्रतिदिन प्रदेश की कानून व्यवस्था चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, पुलिस प्रशासन मनमानी करके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जितने भी हैं उन्हें दबाने की कोशिश की। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन, रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170, 9560464170।